भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल के मुरादाबाद पहुंचने पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल ने भाजपा कार्यालय पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। बैठक के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल ने बताया कि आज की बैठक आगामी अभियान मंडल सशक्तिकरण अभियान और Y20 को लेकर थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है, G20 में एक ऐसा मंच जो 20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने मिलकर बनाया है, आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और गर्व की अनुभूति होती है कि भारत उस G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने Y20 एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, उस अभियान के निमित्त देश भर के यूथ को G20 के साथ जोड़ने का ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है और G20 में जिस प्रकार भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए। यूथ को इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। भारत आज विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। Y20 के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल तक संपन्न कराए जाएंगे। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक चौबे, राजू कालरा, युवा मोर्चा के महामंत्री अभिषेक राठौर, अमित सैनी, उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी, दीक्षांत चौधरी, अवनीश गंगापाल, अभिषेक ठाकुर, आशुतोष ठाकुर, मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता, सुवंश अग्रवाल, हितेश सैनी, अभिषेक मिश्रा, सार्थक भटनागर के साथ युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरे साथ यहाँ इस प्रेस वार्ता में महानगर के युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष भाई अभिषेक चौबे जी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाई राजू कालरा जी हैं। आज की बैठक अपने आगामी अभियान मंडल सशक्तिकरण अभियान एवं Y20 को लेकर बैठक थी। जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है, G20 में एक ऐसा मंच जो 20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने मिलकर बनाया है, आज ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और हम लोगों को इस बात की गर्व की अनुभूति होती है कि भारत उस G20 की अध्यक्षता कर रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी जो दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं। उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने Y20 एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। उस अभियान के निमित्त देश भर के यूथ को इस G20 के साथ जोड़ने का ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है और G20 में जिस प्रकार भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिल रहा है, यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए। यूथ को इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। भारत आज विश्वगुरु बनने के रास्ते पर है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज दुनिया भर में कोई भी बड़ी घटना होती है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कॉल किया जाता है, पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर देखती है और ये उनकी काबिलियत है कि वो देश के साथ साथ आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी बात को लेकर बैठक प्रेस वार्ता आप सब लोगों के साथ सम्मुख आयोजित की जा रही है। Y20 के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रांशु जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में Y20 के 403 विधानसभाओं में 403 चौपालों के कार्यक्रम होंगे। यह प्रथम चरण के कार्यक्रम है, ये 30 अप्रैल तक संपन्न होने हैं और उसके बाद द्वितीय चरण में भी हम लोग यूथ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कार्यक्रम आप सब लोगों के सम्मुख भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आते रहेंगे।